आखिर कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था शकुंतला देवी ने? कौन सी पंछी करती है खुद का मेकअप? आखिर क्यों बनाया गया था एक 3000 साल पुराने मम्मी के लिए पासपोर्ट? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, क्योंकि सारे फैक्ट्स आपको चौंकाने वाली है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैं दीपंकर रॉय आप सभी का स्वागत करता हूँ सच्ची फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 15, बियर्डेड वल्चर्स। क्या आपको पता है कि बियर्डेड वल्चर्स मेकअप करती हैं? सही सुना आपने। इन पंछियों के पंख नेचुरली सफेद रंग के होते हैं, लेकिन ये ऐसे पानी से नहाते हैं जिनमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे इनके पंख लाल रंग के हो जाते हैं। ये पंछियां ऐसा क्यों करती है, ये आज तक एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से वो बीमारियों से बचते हैं। लंबाई में ये पंछियां 1 मीटर की होती है और वजन में 7 किलो के होते हैं। इनके बारे में एक और खास बात है कि ये ज्यादातर मरे हुए जानवरों के हड्डियां खाते हैं, जबकि नॉर्मली वल्चर्स जानवरों के मांस खाते हैं। जरूरत पड़ने पर बियर्डेड वल्चर्स छोटे प्राणी या सांपों को भी खाते हैं। फैक्ट नंबर 14, बेबीज। बच्चे किसे नहीं पसंद, लेकिन बच्चों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बच्चों के जन्म के समय उनके शरीर में पानी की मात्रा एडल्ट लोगों से ज्यादा होती है। जन्म के वक्त बच्चों के शरीर में 75% पानी होता है, जो कि एक बनाना से थोड़ा ज्यादा और फ्रेश आलू से कम होता है, क्योंकि बनाना में 74% और फ्रेश आलू में 80% पानी होता है। फैक्ट नंबर 13, जेफ बेजोस। अमेज़न के फाउंडर और सीईओ को तो आप पहचानते ही होंगे। दूसरे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह इन्होंने भी अपना बिजनेस 1994 में छोटे से गैराज से शुरू किया था। शुरुआती समय पर ऑनलाइन बुक्स बेचते थे और आज उनका नेटवर्थ 19,060 करोड़ US डॉलर है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया ही है, लेकिन 20 जुलाई 2020 को इन्होंने एक और दिलचस्प रिकॉर्ड बनाया है। 20 जुलाई मंडे के दिन इनका नेटवर्थ एक दिन में 13 बिलियन यूएसडी यानी 1300 करोड़ यूएस डॉलर बढ़ गया था। इसका सीधा सा संबंध है कोरोना वायरस से। इस वायरस की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई और लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ज्यादातर अमेज़न पे ही भरोसा करते हैं। फैक्ट नंबर 12, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि टर्मिनेटर के नाम से ज्यादा मशहूर है। इसमें कोई शक नहीं कि टर्मिनेटर मूवी फ्रेंचाइज बहुत ही सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज है, लेकिन क्या आपको पता है आर्नोल्ड ने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे मूवी में 861 वर्ड्स बोले थे और हर वर्ड के लिए उनको $30,687 दिया गया था। इस टैग के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 11, ब्लेजिंग माउस। कर्मा इज अ बिच, आपने ये कहावत तो सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था न्यू मेक्सिको के रहने वाले लुसियानो मेयर्स के साथ। उनके घर में रहने वाले एक चूहे ने लुसियानो को बहुत परेशान करके रखा था। उस चूहे से छुटकारा पाने के लिए लुसियानो ने चूहे को पकड़ के एक जलती हुई सूखे पत्तियों की ढेर में फेंक दिया। फिर चूहा जलते हुए वापस लुसियानो के घर में घुस गया और किसी तरह आग घर में लग गया। वो आग सिर्फ लुसियानो के घर को ही नहीं, आसपास में फैली 35,000 एकर्स के अंदर 10 घरों को जला डाली थी। फैक्ट नंबर 10, बाबा शिवदास। 1974 में अलेसेंड्रो नामक 22 साल का इटालियन लड़का भारत के काशी में अपनी छुट्टियां मनाने आया, लेकिन कभी वापस नहीं गया। काशी के खूबसूरत नज़ारे अलेसेंड्रो के मन को छू लिया था। काशी पे पैर रखते ही उनको अपनापन महसूस हुआ और एक साधु बन गए, जिन्हें आज बाबा शिवदास के नाम से जाना जाता है। अलेसेंड्रो इटली में एक बैंड में गाना गाते थे और लीड गिटारिस्ट थे, लेकिन काशी में आने के बाद सिर्फ भजन गाते थे। हर दिन वो 4 बजे उठकर गंगा स्नान करते थे। मई 2020 को वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फैक्ट नंबर 9, स्ट्रडल फिश। साइंस की दुनिया में ऐसे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है जो गलती से या एक्सीडेंटली इन्वेंट हुए थे, जैसे कि एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी वगैरह वगैरह। ऐसे ही स्ट्रडल फिश को गलती से आविष्कार किया गया था। दरअसल पडल फिश और रशियन स्टजन फिश दो प्रजाति की मछलियाँ थी जो लुप्त होने के कगार पे थी।
हंगेरी के साइंटिस्ट ये दो मछलियों को बचाने के लिए इनके स्पर्म्स से गाइनोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा इनके वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी तरह इन दोनों के स्पर्म्स मिक्स हो गए और नए हाइब्रिड मछली का जन्म हुआ, जिसे नाम दिया गया स्ट्रडल फिश। फैक्ट नंबर 8, रेड बनाना। दुनिया में कई तरह के बनाना पाए जाते हैं, उनमें से ही एक है रेड बनाना, जो कि खाने में नॉर्मल बनाना से ज़्यादा मीठा है और ज़्यादा क्रीमी है। इसका टेस्ट रैसबेरी जैसा लगता है। ये बनाना सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं, इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। इसे खाने से मोटापा कम होता है, आँखों के लिए अच्छा है, नॉर्मल केले से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, आपके डाइजेशन को सुधार सकता है, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल बनाती है। फैक्ट नंबर 7, फेरोरेमेसिस 2। क्या आपको पता है कि 1974 में एक मम्मी को इजिप्ट से पेरिस पहुंचाने के लिए पासपोर्ट दिया गया था? वो मम्मी था फेरोरेमेसिस 2 का। ये इजिप्ट के 19वें राज परिवार के तीसरे फेरो थे, जिन्होंने इजिप्ट पर 67 साल तक राज किया था। 1213 ईसा पूर्व में इनकी मौत हो गई थी। डॉक्टर मॉरिस बुकेल, जो कि इस ममी को स्टडी कर रहे थे, उनका मानना था कि इस ममी को रिस्टोर करने की जरूरत है, इसीलिए इस ममी को पेरिस भेजा गया, लेकिन फ्रांस के कानून के मुताबिक ममी के लिए पासपोर्ट जरूरी था, तो 3000 साल पुरानी लाश की तस्वीर पासपोर्ट पे लगाया गया। ले बॉर्गेट एयरपोर्ट पे इस इजिप्ट के राजा को स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया गया था। फैक्ट नंबर 6, स्नेक्स। सांप बहुत ही खूबसूरत और खतरनाक प्राणी है, लेकिन इनके पास एक ऐसा टैलेंट है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। सांप 120 किलोमीटर दूर से ही भूकंप को महसूस कर सकते हैं, वो भी 3 से 5 दिन पहले। भूकंप से पहले वो अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं, और भूकंप आने से पहले वो अपने रहने का जगह बदलकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, शकुंतला देवी, जिनके ऊपर बॉलीवुड बायोपिक बना रही है। इन्हें सब ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। इन्होंने 18 जून 1980 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया था। इन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दो रैंडमली लिए गए 13 डिजिट के नंबर को सिर्फ 28 सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर दिया था। स्क्रीन पे आप वो नंबर देख सकते हैं। 1977 में साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में उन्होंने 201 डिजिट के एक नंबर का 23rd रूट निकाला था सिर्फ 50 सेकंड में, जहां पर कैलकुलेटर इसको करने में 62 सेकंड का समय लिया था। बीबीसी चैनल का एक फेमस इंटरव्यू में इन्होंने मैथ के एक क्वेश्चन का आंसर दिया था जो कैलकुलेटर से मैच नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि कैलकुलेटर गलत था और शकुंतला देवी सही थी। फैक्ट नंबर 4, मोआ बर्ड। तकरीबन 30 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने न्यूजीलैंड के माउंट ओवेन के गुफाओं से लुप्त हो चुके मोआ बर्ड के एक कटे हुए पैर को खोजा था। वो पैर नेचुरली मम्मीफाइड हो चुका था। जांच करने पे पता चला था कि वो पैर 3300 साल पुरानी थी, फिर भी उस पैर पर मांस और स्किन सही सलामत थी। 1,85,00,000 साल पहले मोआ बर्ड पहली बार इस धरती पर जन्म लिए थे, पर धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गए। मोआ बर्ड लंबाई में 10 फीट के होते थे। दूसरे पंछियों की तरह इनके पूंछ और पंख नहीं हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 3, स्टीव जॉब्स। आज के डेट पे एप्पल दुनिया का सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। स्टीव जॉब्स इसी कंपनी का को-फाउंडर है। इन्हीं के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी एप्पल के फॉर्मर डायरेक्टर रॉन गिवेंस से सुनने को मिलती है। वो बताते हैं कि एक दिन कंपनी का एक सेक्रेटरी ऑफिस आने में लेट हो गई थी। स्टीव इसकी वजह जानना चाहते थे। फिर स्टीव को पता चला कि वो एक सिंगल मदर थी और लेट होने की वजह थी उनके कार में खराबी। फिर स्टीव ने उस सेक्रेटरी को अपने जैगुआर की चाबी देके कहा, फिर कभी लेट मत होना। रॉन गिवेंस का कहना था कि स्टीव अक्सर ऐसे काम करते रहते थे। मैं दुआ करता हूँ ऐसा बॉस सबको मिले। फैक्ट नंबर 2, मासाबुनी होसोनो। टाइटैनिक जहाज में सिर्फ एक ही जापानीज यात्री थे, जिनका नाम है मासाबुनी होसोनो, और ये टाइटैनिक की भयानक दुर्घटना से बच गए थे। मासाबुनी जापान के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के सिविल सर्वेंट थे। 10 अप्रैल 1912 में वो टाइटैनिक के सेकंड क्लास में चले थे और किसी तरह उस दुर्घटना से बच गए थे, लेकिन अपने देश वापस आने के बाद उनको शाबाशी देने के बजाय पूरी जापानीज मीडिया मासाबुनी को डरपोक बुलाने लगी, क्योंकि बच्चों और औरतों को बचाने के बजाय वो खुद वहां से भाग गए थे। इसी वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया था। 68 साल की उम्र में मासाबुनी की नेचुरल डेथ हुई थी, लेकिन पूरी जिंदगी उनको डरपोक बुलाया गया। फैक्ट नंबर 1, कीथ सैप्सफोर्ड।
कीथ हमेशा बेचैन रहने वाला बच्चा था और घूमने फिरने में दिलचस्पी रखता था। इसी कारण से 22 फरवरी 1970 में वो चोरी छिपे सिडनी एयरपोर्ट के डगलस डीसी 8 प्लेन के लैंडिंग टायर पे जाके चढ़ गया, जो कि टोक्यो जा रही थी। जब प्लेन उड़ा और टायर फोल्ड होने लगा, कीथ प्लेन से गिर गया। ठीक उसी समय फोटोग्राफर जॉन गिल्पिन एयरपोर्ट की तस्वीरें ले रहे थे। जॉन ने अनजाने में ही उस दुर्घटना की फोटो ले ली। ये बात उनको तब पता चली जब वो फोटो को डेवलप कर रहे थे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।